के नेता अजीत शर्मा ने पत्र लिखकर शराबबंदी कानून हटाने की मांग की है। बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ थी, तब पार्टी ने अच्छा काम समझकर आपका भरपूर समर्थन किया था, लेकिन 4.5 वर्षों में देखने में आया कि शराबबंदी सिर्फ कहने को है, हकीकत में यह बिहार में लागू ही नहीं है, बल्कि यह अवैध धन अर्जन का एक साधन हो गया है। कांग्रेस के मुताबिक शराब दुकानों में ही नहीं बल्कि घर घर तक पहुंचती है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इस धंधे में न सिर्फ शराब माफिया बल्कि पुलिस प्रशासन, नौकरशाह और कुछ राजनीतिज्ञ भी शामिल है। इस धंधे में नई उम्र के लड़के लड़कियां भी पढ़ाई छोड़कर होम डिलीवरी में लग गए। इस कानून से अब तो गरीब परिवार भी आर्थिक बोझ तले दब गया है, क्योंकि अब 2-3 गुना अधिक कीमत पर शराब खरीदकर लोग पी रहे हैं। इतना ही नहीं, लाइसेंसी दुकानों में शराब नहीं बिकने के कारण नकली जहरीली शराब की होम डिलीवरी की आशंका बढ़ गई है। अब तक दर्जनों लोग जहरीली शराब से मौत के मुंह में चले गए हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने आगे लिखा है कि शराब बंदी से बिहार को 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है। इससे दोगुनी राशि शराब माफिया और उनसे जुड़े लोगों के पॉकेट में जा रही है। लिहाजा शराबबंदी कानून की समीक्षा कर शराब की कीमत दुगनी या 3 गुनी करते हुए शराबबंदी को समाप्त किया जाए और प्राप्त राशि को कारखाना खोला जाए, ताकि एक तरफ शराब के अवैध धंधे पर रोक लग सके और दूसरी तरफ बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी शराबबंदी कानून पर समीक्षा की बात कही थी। हालांकि चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि हम शराबबंदी कानून की समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग कांग्रेस की तरफ से उठाई गई है।